हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ISL ट्रांसफर मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं 41 प्लेयर्स की लिस्ट की जो कि नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं अहेड ऑफ हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन 41 प्लेयर्स के बारे में, फिर किन ISL क्लब्स में से कितने प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, फिर किन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था ईगो स्टीमैक को, और किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए था, और कौन से प्लेयर्स जो कि मिसिंग है नेशनल कैंप में से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोलकीपर्स के बारे में। तो गोलकीपर्स में 4 गोलकीपर्स सिलेक्ट हुए हैं नेशनल कैंप के लिए। तो पहले हैं विशाल कैथ ATK मोहन बगान के, फिर बेंगलुरु FC के गुरप्रीत सिंह संधू, फिर मुंबई सिटी FC के पूर्वा लचेम्पा, और फिर उसके बाद ओडिशा FC के अमरिंदर सिंह। तो गोलकीपर तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक सिलेक्ट हुए हैं, कोई चेंजेस तो नहीं होने चाहिए थे गोलकीपर्स के लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंडर्स के बारे में। तो इन टोटल 12 डिफेंडर्स सिलेक्ट हुए हैं नेशनल कैंप के लिए, जिनमें इंक्लूडेड हैं सुभाषिश बोस, प्रीतम कोटाल, आशीष राय, ग्लेन मार्टिन्स, संदेश जिंगन, रोशन सिंह, अनवर अली, मेहताब सिंह, राहुल बेके, नरेंद्र गहलोत, सना सिंह और आकाश मिश्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडफील्डर्स के बारे में। तो इन टोटल 20 मिडफील्डर्स सिलेक्ट हुए हैं नेशनल कैंप के लिए, जिनमें हैं लिस्टन कलासो, आशिक कुरुनियन, सुरेश सिंह, रोहित कुमार, उदंता सिंह, महेश नावरेम, निखिल पुजारी, यासिर, ऋत्विक दास, जिक्शन सिंह, सहल अब्दुल समद, राहुल KP, अपुया, बिपिन सिंह, राउलिन बॉर्जेस, लालिन ज्वाला छंगटे, विक्रम प्रताप, नंद कुमार जैरी और अनिरुद्ध थापा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरवर्ड्स के बारे में। तो इन टोटल इस बार 5 फॉरवर्ड सिलेक्ट हुए हैं नेशनल कैंप के लिए, जिनमें इंक्लूडेड है मनवीर सिंह, सुनील छेत्री, शिवाशक्ति, रहीम अली और ईशान पंडिता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ISL टीम्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है नेशनल कैंप के लिए। तो सबसे पहले मोहन बगान, बेंगलुरु FC और मुंबई सिटी FC ने 8 प्लेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, फिर उसके बाद ओडिशा FC और हैदराबाद FC ने 4 प्लेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं, फिर उसके बाद केरला ब्लास्टर्स ने 3 प्लेयर्स, फिर चेन्नई FC और जमशेदपुर FC में से 2-2 प्लेयर्स, और फिर FC गोवा और ईस्ट बंगाल में से 1-1 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं नेशनल कैंप के लिए। फिर कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये प्लेयर्स क्यों सिलेक्ट हुए नेशनल कैंप के लिए उनके करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए, और वो प्लेयर्स हैं राउलिन बॉर्जेस, सहल अब्दुल समद, रहीम अली, उदंता सिंह और फिर राहुल KP। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी प्लेयर फाइनल स्क्वाड में सिलेक्ट होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। फिर भाई लोग कुछ लोग कहेंगे कि अनिरुद्ध थापा को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था उनके करंट परफॉर्मेंस को देखकर उनके क्लब चेन्नई FC के लिए। तो बात तो सही है कि अनिरुद्ध थापा को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था उनके करंट परफॉर्मेंस को देखकर, लेकिन हम अगर बात करें अनिरुद्ध थापा की तो वो नेशनल टीम के लिए अलग ही परफॉर्मेंस बिल्ड करते हैं, अलग ही तरह से खेलते हैं, और कंपेयर करें उनके क्लब के परफॉर्मेंस से तो उनका नेशनल टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहुल KP के बारे में। तो राहुल KP का परफॉर्मेंस तो केरला ब्लास्टर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था ये सीज़न, फिर भी उन्हें नेशनल टीम में जगह मिल गई। तो मुझे लगता है कि राहुल KP को ब्राइस मिरिंडा के साथ रिप्लेस किया जा सकता था, जिनका परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा था। और आप सभी का क्या ओपिनियन है इस पे रिलेटेड, आप भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो प्लेयर है जिनके सिलेक्शन पे क्वेश्चन उठाना चाहिए वो है सहल अब्दुल समद। तो सहल अब्दुल समद का परफॉर्मेंस केरला ब्लास्टर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था ISL में, फिर भी उन्हें सिलेक्ट किया गया, और बहुत से इंडियन फुटबॉल फैंस इस पे क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सहल अब्दुल समद फाइनल स्क्वाड में सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो प्लेयर है जिनके सिलेक्शन पे क्वेश्चन उठाया जा सकता था वो है रहीम अली। तो भाई लोग देखा जाए तो रहीम अली का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा तो नहीं था इंडियन सुपर लीग में, लेकिन फिर भी उन्हें सिलेक्ट किया गया है नेशनल कैंप के लिए। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो रहीम अली की जगह हम किससे जगह दे सकते थे नेशनल कैंप में, हमारे पास कोई और स्ट्राइकर का ऑप्शन है ही नहीं कि रहीम अली की जगह हम उसे जगह दे सकते हैं। तो रहीम अली को बाय फोर्स US टीम को सिलेक्ट करना ही पड़ा एज अ स्ट्राइकर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं राउलिन बॉर्जेस के सिलेक्शन पे। तो राउलिन बॉर्जेस का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा था नहीं मुंबई सिटी FC के लिए, उनको ज़्यादा गेम टाइम भी नहीं मिला मुंबई सिटी FC के लिए, फिर भी उन्हें नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो मेरे हिसाब से राउलिन बॉर्जेस की जगह हम आयुष छेत्री को सिलेक्ट कर सकते थे, जिसको कि FC गोवा ने काफ़ी अच्छा खासा गेम टाइम भी दिया था, और आयुष छेत्री काफ़ी यंग प्लेयर है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता और नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता किसी भी यंग प्लेयर को ऐसा नेशनल कैंप में गेम टाइम देना और उसके ऊपर भरोसा दिखाना, तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ी बात रहती और नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी अच्छी बात रहती। और नेक्स्ट जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर सब क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो है उदंता सिंह,
विंगर हैं जो कि बेंगलुरु एफसी के, उनका परफॉर्मेंस तो छोड़ो, उनको ज़्यादा गेम टाइम भी नहीं मिला था बेंगलुरु एफसी के लिए, फिर भी इगो स्टिमेक ने उदंता सिंह को सिलेक्ट किया है नेशनल कैंप के लिए। पता नहीं क्यों सिलेक्ट किया है, इसके ऊपर सब इंडियन फुटबॉल फैंस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइनल कैंप में उदंता सिंह के लिए जगह मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेयर्स की जो डिज़र्व करते थे सिलेक्शन नेशनल कैंप में, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। तो सबसे पहले नाम आएंगे आपके दिमाग में आकाश सांगवान का। तो आकाश सांगवान का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था आईएसएल में, उन्होंने 5 असिस्ट प्रोवाइड किया था क्लब के लिए और उन्हें ज़रूर से सिलेक्ट करना चाहिए था। हालांकि फाइनल स्क्वाड में मत सिलेक्ट करो बंदे को, लेकिन नेशनल प्रिपरेटरी कैंप में तो सिलेक्ट करो भाई को, कितना अच्छा परफॉर्मेंस था उसका आईएसएल में, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ नेशनल कैंप में। और नेक्स्ट जो प्लेयर जो डिज़र्व करते थे सिलेक्ट होना वो है हलीचरण नारजरी। तो नारजरी का परफॉर्मेंस ये सीज़न आईएसएल में काफ़ी अच्छा था, उन्होंने 9 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था हैदराबाद एफसी के लिए, फिर भी उन्हें नेशनल टीम में जगह नहीं मिली है। पता नहीं कौन सा रीज़न है कि उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया इगो स्टिमेक के द्वारा, लेकिन फिर भी हलीचरण नारजरी डिज़र्व करते थे नेशनल टीम में सिलेक्ट होना। प्रिपरेटरी कैंप में तो बंदा डिज़र्व करता था भाई सिलेक्ट होना, हालांकि फाइनल कैंप में नहीं देते उसको जगह तो समझता, लेकिन प्रिपरेटरी कैंप में तो बंदा 100% डिज़र्व करता था अपनी जगह। नेक्स्ट जो प्लेयर हैं कुछ लोगों के दिमाग में आएंगे वो है केरला ब्लास्टर्स के डिफेंडर हॉर्मी पम्प। तो हॉर्मी पम्प को भी सिलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन देखा जाए तो जितने भी डिफेंडर सिलेक्ट हुए हैं सबका परफॉर्मेंस हॉर्मी पम्प से कंपेयर किया जाए तो अच्छा ही रहा है हॉर्मी पम्प के कंपेरिज़न में, और इसलिए शायद हॉर्मी पम्प को जगह नहीं मिली नेशनल टीम में, क्योंकि 12 डिफेंडर्स सिलेक्ट हुए हैं और 12 के 12 डिफेंडर्स का मेरे हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अगर उनका कंपेयर करें हॉर्मी पम्प के परफॉर्मेंस से तो। और नेक्स्ट कुछ लोग बोलेंगे कि वीपी सुअर को भी सिलेक्ट करना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से तो वीपी सुअर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था ईस्ट बंगाल के लिए, और इसलिए यही रीज़न है मेरे हिसाब से तो वीपी सुअर को जगह नहीं मिली है नेशनल कैंप के प्रिपरेटरी कैंप में। और कुछ लोग फिर से बोलेंगे कि आयबन दोलिंग को भी जगह मिलना चाहिए था नेशनल कैंप में, लेकिन उनका लास्ट सीज़न का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा था एफसी गोवा के साथ, तब उन्हें जगह मिल सकती थी नेशनल कैंप में, लेकिन करंट सीज़न की बात करें तो करंट सीज़न में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है एफसी गोवा के लिए, और शायद इसलिए इगो स्टिमेक ने उन्हें जगह नहीं दी है प्रिपरेटरी कैंप में। और नेक्स्ट जो प्लेयर मिसिंग है और सबके दिमाग में घूम रहा है कि बंदा ये प्लेयर तो मिस नहीं कर सकता है, और वो है ब्रेंडन फर्नांडिस। तो ब्रेंडन फर्नांडिस की बात करें तो उन्होंने खुद लीव डिमांड किया था नेशनल टीम से, और वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि उनके साथ क्या हुआ है हाल ही में, और मुझे लगता है कि उन्हें फाइनल स्क्वाड में कॉल अप मिलेगा, वो मैचेस के पहले फाइनल स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। और ब्रेंडन फर्नांडिस काफ़ी असेंशियल हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा करके असिस्ट तो ब्रेंडन फर्नांडिस ने ही प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल टीम के लिए। और आप लोग की ओपिनियन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और जल्दी ट्रांसफ़र वीडियो आने वाली है तो उसके लिए भी रेडी रहें।